लड़के आपसे शादी करने के लिए मरना चाहिए, लोग आपको पसंद करना चाहिए, तो किस तरह का लड़की होना चाहिए आप, राइट? उसके बारे में आज देखते हैं। आज एक 15 चीज़ें मैं वन बताता हूँ, उसमें आप कल ही देख लीजिए आप सब चीज़ में कहाँ कहाँ पे हो और उसमें आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। नंबर वन, हर लड़की का एक पहली चीज़ होता है मेंटेन फिगर, राइट? आपको अपना फिगर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आंटी नहीं बनना है, ओके? मोटापन नहीं होना है, खाना बराबर खा के, एक्सरसाइज और जिम जाइए, जो भी है, मेंटेन योर फिगर, राइट? मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, हेयर स्टाइल वो सब चीज़ की बात नहीं है, लेकिन अपना फिगर मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का असली सच वहाँ पे। कलरिंग व्लरिंग तो कोई कर सकता है, राइट? वो तो ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो करेंगे कोई भी, लेकिन आप सच में मेहनत, राइट टाइम, डाइट, एक्सरसाइज, आप कितना परफेक्ट हो, ये चीज़ अपना मेंटेनेंस में करना पड़ेगा। कौन सा मेंटेनेंस? बॉडी मेंटेनेंस। सो हमेशा अपना फिगर मेंटेन करके रखेगा, असल लड़की सब यही चाहते हैं, राइट? सो वो करना है पहला। उसके बाद जब भी लड़का आपकी ज़िंदगी में आता है, जो वो शादी करने के लिए मरेगा, तो उसको हमेशा एक गैप दीजिएगा, उसको एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ना वो कभी बाहर जा रहा है तो जाने दो, किधर है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, बोल किसके मैसेज आया, उसके पीछे पड़ा रहना, बोलते ये मेरे से इससे कब मेरा छूटेगा यार, ये मेरा तो मेरा गला पड़ रही है ना। तो आपको मालूम होगा बहुत सारे हस्बैंड फ़ोन पे वाइफ का नाम से भी रखते हैं कि परेशानी, ओके, तंग, है ना, गले लग जाती है, जो भी है ऐसा वर्डिंग सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ते नहीं है, किधर है, क्या करता है, अभी किधर है, तो घर पे आएगा, कौन कौन साथ में, उसके घर पे क्यों गया, इधर क्यों गया, घर का कुत्ता बना के रखता है उसको, राइट? डोंट डू दैट, पीपल डोंट लव यू, आप उसके पीछे पड़े रहते हो तो किसी को पसंद नहीं आएगा, राइट? सो उसको थोड़ा जगह दीजिए, जो करना है करने दीजिए। ऐसा देखिए, हम लोग हमेशा चिपक के रहेंगे तो गर्मी होगा, मैं दूसरी गर्मी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ एक सफोकेशन होगा, हवा नहीं आएगा अंदर, राइट? सो थोड़ा सा गैप रहेगा ना तो हवा आएगा, एक फीलिंग अच्छा होगा ऐसा। सो जगह, हर रिलेशनशिप के लिए एक स्पेस होना बहुत जरूरी है, ओके? दैट्स वन। फिर वो लड़की सबको पसंद आता है जो जिसके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब उसके पास पैसा हो, पैसा के लिए आपके पास आना जरूरी नहीं है। ये मम्मी पापा का भी हो सकता है, उसका खुद का गहना वगैरह भी हो सकता है, या फिर कहीं पर सेविंग भी करके रखी हो सकता है, या जो भी पैसा आता है उसको सेविंग करके रहती है वो ला सकता है। हर बार जाके 500 रुपया दो, 300 रुपया आ जा दो, खर्चे के लिए पैसा, ये पूछने वाले, ये करने वाले को अच्छा नहीं लगता, राइट? सो आप या तो खुद का जॉब या सेविंग या गहना, जो भी है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको पैसे के लिए हमेशा किसी के पास जाके पूछना, आप इंडिपेंडेंट उसके उस मामले में होना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो लड़की सबको बहुत पसंद आती है, राइट? फिर उनके एगेंट्स, उसके सामने, उसके एगेंट्स में जाके बात करना, उसको डराना, झगड़ा करना, नो, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। उस लड़की ये सबको पता है, वो उस हिसाब से नहीं करना चाहिए, राइट? फिर बोलता है कि कभी कभी हंसी मजाक किया आपसे, तो ओके, क्रिटिसिस एडजस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब कभी खींचा आपको, कभी टोन मारा, कुछ हुआ, ठीक है, कभी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बोला, ले लीजिएगा, उसको सीखने की कोशिश करिएगा कि ताकि आगे आप उसको करेक्ट कर सकूँ, ये सब कर सकूँ, इस तरह का चीज़ आपको करना है, ठीक है? तो वो बेस्ट हो जाएगा, मतलब कोई मजाक उड़ाता है उसके ऊपर सीरियस नहीं होना है, मतलब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी बोलता है उसके ऊपर संभाल के सीख के लेना है, चेंज करना, इसको पॉजिटिव ऐसे लेना है वो जब भी करते हैं, ओके? और उसके बाद है पॉइंट, आप उसके साथ जब भी हो थोड़ा कंफर्ट रहना, राइट? वो जो भी करता है उसके साथ कंफर्ट रहना, कभी वो जीन्स टी शर्ट घूमना, कभी बैठना, यू नो, मे बी ड्रिंक्स पब, जो भी जैसे ही है, हर एक का जो भी कंफर्ट है वो आपके साथ रहने में मज़ा आना चाहिए। आप वो जिस तरह का दोस्ती है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, फैमिली है, अभी जैसे बाइकर है तो उसके तरह का फ्रेंड्स होगा, रोड ट्रैवलिंग होगा, यानी सब बहुत सारे जगह, तो उस तरह का अगर है तो आप भी उसके साथ दुनिया में, उसकी दुनिया में रहना चाहिए, वो दुनिया आपको पसंद आना चाहिए। जब अगर वो बुक रीडर है, यू नो, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उस तरह का आपको बुक रीडिंग, स्पीच, ये सब में आपको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आप अलग दुनिया में जाओगे, ये नहीं नहीं ये अपना दुनिया का ही नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा, राइट? सो उसका दुनिया क्या है, राइट? हर आईटी है तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना, जो भी है। सो समय उसके दुनिया में रहना और उसके साथ कंफर्टेबल रहना, वो जिस तरह चाहता है, थोड़ा सा आपके साथ
रहे तो ये उसको बहुत अच्छा लगेगा। सर वो दुनिया आपको जानना चाहिए, उस तरह का एक हो गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी पॉइंट, कभी भी वो बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में है, सब कुछ है, तो आपको टेंशन नहीं होना है, आप एकदम कूल रहना है, उसको संभालना कैसे करना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जब वो टेंशन में रहता है, आप टेंशन में नहीं हो, उनको संभाल लें, मम्मी माँ जैसा या गुरु जैसा, मेंटर जैसा आप उसको संभाल लेते हो, वो उसको बहुत पसंद आएगा। सो डोंट गेट टेंशन, मेरे साथ हमेशा हुआ है, मैं जब भी वैक्स हो जाता हूँ तो आई गेट एडवाइस, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ छोड़ने वाला नहीं है, सब बारी हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है, तू बहुत आगे जाएगा, ऐसा सब एडवाइस मिलता है, राइट। तब मैं मेरा संतुलन खो बैठता हूँ, अरे क्या होगा अभी, ऐसा बड़े ही, मैं आप मुझे देखते होंगे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है जो भी है, लेकिन मेरे अंदर भी होता है, राइट। बड़े बड़े लोग के अंदर मैं होते हुए देखा है, दुनिया के लिए दिखाते होंगे, कोट भी डाल के भाषण देते होंगे, यस यू कैन डू इट, यस फायर, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबके साथ होता है। तो देयर नीड टू बी अ गर्ल इन शू कैन हु कैन सपोर्ट हिम, नो सब ठीक हो जाएगा, तू बहुत आगे जाएगा, तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, और आपके पास नहीं है तो भी आप बन जाते हो। तो मैं एवरी सक्सेसफुल वुमन दर इज अ एवरी सक्सेसफुल दर इज अ वुमन बिगिन इट, राइट, ऐसा। लेकिन एक बात बताऊँ, बट एवरी सक्सेसफुल वुमन दर इज हर सेल्फ, यू नो, सक्सेसफुल वुमन के लिए वो खुद ही सक्सेसफुल होती है, वो खुद ही उसका रीज़न होता है। लेकिन आदमी का सक्सेस के पीछे, देखो भाई नहीं इसे कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। सो एवरी सक्सेसफुल वुमन, एवरी सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है, तो आप उस तरह का वुमन बन जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंड उसमें बात उसके बाद आते हैं, कभी टेंस्ड है, टेंस के हम लोगों को बात किया, बाद में जाते हैं डिसअग्री, राइट। सो कभी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, जरूरी है हर बात मुंडी लाना, उसकी बात सुनना नहीं, कभी कभी चीज़ आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है और ये गलत रास्ते पे जा रहा है, ये अपने लिए नुकसान पूछेगा, ये डिसीजन गलत है, जो भी है। जनरली घर पे क्या होता है, मारपीट होता है, 3 दिन खाना नहीं बनता है, झगड़ा होता है और हफ्ता हफ्ता चलेगा, डिवोर्स तक पहुंच जाता है, अलग बात है। नॉर्मली ऐसा ना होते हुए तू ये जो कर रहा है ये मुझे पसंद नहीं है और ये गलत रास्ते पे जाएगा, ऐसा बोल के अबोल क्या खाना खाएगा, कैसे खाएगा, कल बाहर जाएंगे, ये जाएंगे, वो पॉइंट क्लियर बता दीजिए कि आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट, डन, ओके। लेकिन बी इमोशनल, डोंट बी गेट इमोशनल विद दैट, यू नो, उसके रिलेटेड झगड़ा करना, रिलेशन स्पॉइल करना, कुछ अलग करना, डिसअपॉइंट होना, रोते रहना, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर गर्ल्स का ये हैंडलिंग होता है कि उसको रुला रुला के अपने जो जो करना है उसको करके दिखाते हैं। सो ये सब उसको आदमी लोगों को, लड़के को पसंद नहीं होता है। सो क्लियर बताना, लेकिन उसके रिलेटेड झगड़ा नहीं करना, ये पॉइंट्स क्लियर आपको याद रखना चाहिए। एंड कोई चीज़ आप करने के लिए जाते हो, अगर आपको पसंद नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो उनसे दो बार तीन बार पूछ के क्लियर करके करना बहुत जरूरी है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, राइट, ताकि उल्टा सीधा कुछ करके बैठते हो, अरे यार तेरे को पूछने का ना समझ में ना, तो पूछने का ना, वो सब डायलॉग नहीं आने का, राइट। और पहले आप क्लियर कट पूछ के उसके ऊपर काम करा तो उनको बहुत पसंद आएगा। एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट, उनकी जो मर्यादा है रेस्पेक्ट है, कभी दीजिएगा फ्रेंड के साथ में, उसको कभी भी उसको रेस्पेक्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि ही विल नॉट टॉलरेट समबडी डोंट रेस्पेक्ट हिम, राइट। सो वो बहुत अच्छा लगेगा आप उसको रेस्पेक्ट देते तो। हमेशा आपकी जो एवोल्यूशन, आपकी जो ग्रोथ है ना, बढ़ती रहना चाहिए। स्टैग्नेंट वुमन किसी को पसंद नहीं आता, राइट। पहले भी हाउसवाइफ थी, आज भी हाउसवाइफ है, वही खाना पका रही है, बच्चे देख रही है, देख रही है, ऐसा नहीं। आपकी कोई भी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी करना, रीडिंग में, नॉलेज में, कोई भी एक पोर्शन में आपको इवॉल्व करते रहना, आप जैसे ग्रो करते रहो ना, उसको बहुत पसंद आएगा। सम मैन डोंट लाइक इट, वो उस तरह का आदमी के लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली जो चैलेंजिंग, जो ग्रोथ करने वाली लड़की बहुत पसंद आती है, तो उस तरह का आप एक होना चाहिए। दूसरी एक मजाक है, कभी कभी आपको चैलेंज भी करना चाहिए, तू क्या कर लेगा, यू नो, तेरे को ये कर सकती है, आ गया ये टारगेट है, चल देखते हैं, या मैं करके दिखाता हूँ, राइट। इस तरह का एक चैलेंजिंग भी बीच में थ्रिल होना चाहिए, जो लाइफ को चैलेंजिंगली टारगेट वाइज आपको करना चाहिए, ये भी बहुत पसंद आएगा उसको, दैट्स वन। एंड एवरीबडी नोस सरप्राइज, बीच बीच में कभी सरप्राइज देना चाहिए, क्योंकि ये सरप्राइज हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगा और पीपल विल लव इट, है ना, वो आपको करना है। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट, बी वेरी हॉनेस्ट, यू नो, जो सच बोलते हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं।
जैसे ही मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में बताया था, राइट, फास्ट एंड फ्यूरियस में मैं देखा, उसमें बोलता है कि तूने मुझे पुलिस में बताया, तो उसका दोस्त बोलता है, वो बोलता है कि मैंने नहीं बताया, तो उसका तीसरा दोस्त बोलता है डीजल, है ना, वो बोलता है अगर उसने बोला कि पुलिस में नहीं बताया, उसका मतलब है कि उसने पुलिस में नहीं बताया, करेक्ट। सो मतलब आप जो बोलते हो वो सच है, ऐसा एक फिगर बना के चलना चाहिए। झूठ हर बार बोल नहीं सकते हैं और आपका इमेज फाड़ देगा एंड वो इतना सच में नहीं होगा। सो बी दैट ट्रूथ, ओके। सो ऑलवेज बी हॉनेस्ट, पीपल लव यू, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया तो भूल दिया, खत्म। वो उसको यही नहीं है कि दिस इज द बेस्ट वे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये जो भी बोलता है सही बोलता है, ऐसा एक अपना मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट। सेकंड लास्ट फाइनल वन, जब भी वो उसको महसूस करने दीजिए कि वो आपको बहुत पसंद है, वो आपको बहुत सेटिस्फाई रखा है, आप उससे बहुत खुश हो, ऐसा उसको बताना चाहिए, फील कराना चाहिए, राइट। जब आदमी को लगता है कि उसकी लड़की उसकी वजह से बहुत खुश है, सिर्फ उससे ही खुश है, तो इससे बढ़कर उसके लिए और कुछ होगा नहीं, वो बहुत खुश रहेगा, वो बहुत रेस्पेक्ट करेगा, बहुत प्यार करेगा आपसे, तो ये चीज़ उसको बताना जरूरी है। इधर तो हमेशा होते तेरे को शादी करके मैंने ज़िंदगी में क्या लिया, ये लिया, तो हमें ऐसे ही है, ये सब डायलॉग नहीं पड़ा चाहिए, राइट। सो वो बात की बात अलग है, लेकिन आप हमेशा उसको महस कर, लेकिन सच हो, झूठ नहीं, क्योंकि अगर झूठ बोलते हो बाद में पता चलेगा। सो सच में अगर आप खुश हैं तो बताइए, यस यू आर द वन आई लाइक वेरी मच, यू आर द वन मेक्स मी सेटिस्फेक्शन, मुझे आप बहुत खुश रखते हो हर चीज़ में, ऐसा बताओगे उसको बहुत पसंद आएगा एंड ही लव इट। थैंक यू।